जिस शीर्षक को आज हम अध्ययन के रूप में लेंगे वह है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। पिछले व्याख्यान में मैंने राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनकी राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका का पर हम चर्चा कर चुके थे। इस व्याख्यान में हम भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की स्थिति और भूमिका क्या है उस पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि संसदात्मक शासन प्रणाली में की एक जो प्रमुख विशेषता है वह ये है कि वहाँ पर नाममात्र और वास्तविक शासन का अंतर पाया जाता है। नाममात्र की कार्यपालिका अलग होती है और वास्तविक कार्यपालिका अलग होती है। ऐसा इंग्लैंड में भी है जहाँ पर जिसे हम संसदात्मक प्रजातंत्र का घर कहते हैं कि वहाँ नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग हैं। नाममात्र की कार्यपालिका वहाँ का राजा या रानी है जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। इसी क्रम को हम भारत में भी लागू करते हैं तो भारत में नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति की भूमिका क्या है उस पर हम कल चर्चा कर चुके थे और हम ये बात भी कर चुके थे कि संविधान ने राष्ट्रपति की किसी भी संवैधानिक शक्ति को नहीं गिनाया है और यद्यपि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जैसे लोकसभा में किसी दल को बहुमत ना मिले तब राष्ट्रपति संवैधानिक से निर्णय ले सकता है, परंतु वह संवैधानिक का निर्णय भी परंपराओं और अभिसमयों से ही निर्धारित होगा। तो भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति के संवैधानिक शक्तियों को स्वीकार नहीं किया गया है। यद्यपि राष्ट्रपति को दिलाई जाने वाली शपथ में स्पष्ट उल्लेख है कि मैं संविधान का परिरक्षण प्रतिरक्षण और संरक्षण करूंगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो अपनी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का बारे में बहुत कम अनुच्छेदों में ही उल्लेख है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78 और आपातकाल के अनुच्छेद 352 में ही प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख हमें मिलता है और अनुच्छेद 75 में लिखा गया है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री कहा जाएगा। अनुच्छेद 76(1) में ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो पहली बात ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर भी संवेग से निर्णय नहीं। हम सब जानते हैं संसदात्मक प्रजातंत्र में जिस दल को लोग निचले सदन में बहुमत प्राप्त होगा वही उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित करेगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा। और यदि मान लीजिए कई बार ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाएं कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो प्रधानमंत्री इस मामले में, राष्ट्रपति इस मामले में स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके बारे में उसका विश्वास है कि वे व्यक्ति संसद में बहुमत रखता है। परंतु हमें इस बात को नहीं नकारना चाहिए कि अंतोगत्वा प्रधानमंत्री वही व्यक्ति रह सकता है जिसे लोकसभा का विश्वास हासिल है। अगर राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर देता है जिसे लोकसभा में विश्वास हासिल नहीं है तब भी लोकसभा के विश्वास हासिल नहीं होने पर वह ज़्यादा देर तक अपने पद पर नहीं रह पाएगा। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि पॉपुलर मैंडेट या लोकप्रिय जनादेश को कोई राष्ट्रपति नकार दे ऐसी संभावना भारतीय संविधान में भी नहीं है,
भारतीय संवैधानिक परंपराओं में नहीं है और दुनिया के किसी भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं में नहीं है कि राष्ट्रपति किसी निर्वाचित जनादेश को नकार दे। इसका अर्थ ये है, लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलेगा, जिस दल का, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा और वह तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास हासिल है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति की भूमिका कई ग्रंथ किताबों में बड़ी बड़ा चढ़ा के लिखी गई है, लेकिन हमें इस बात को हमेशा मानना चाहिए कि अंतोगत्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वही बना रह सकता है जिसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। इस रूप में ये, और ये ऐसा तत्व है जिसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। तो भारतीय संविधान के विकास में भी कई बार ऐसे मौके आए जब लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था तो राष्ट्रपति ने सविवेक से निर्णय लिया और अपने इच्छा से प्रधानमंत्री पद के लिए किसी व्यक्ति को चुना, और जब तक उन्हें अगर विश्वास मत प्राप्त हो गया तो प्रधानमंत्री पद पर कार्य करते रहे, और जिस दिन उन्होंने विश्वास खोया वे प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाए। तो 1996, 1998, 1989 में ये हुआ है कई बार, और लेकिन ये बात समझने की है कि कोई भी राष्ट्रपति लोकप्रिय जनादेश का अपमान नहीं कर सकता, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी संवैधानिक प्रणाली ही खतरे में आ जाएगी। कमोबेश हम ये बात मानना चाहिए कि भारत में जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने अपनी संवैधानिक परंपराओं का ईमानदारी से पालन किया। एक दो मौके ऐसे आ सकते आए थे कि जहाँ निर्णय करना कठिन था कि किसको लोकसभा, किसको प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करें या लोकसभा में किस दल को बहुमत है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपतियों ने सामान्यतः अपने विवेक का और उचित संवैधानिक रीति से ही निर्णय लिए। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या के बारे में संविधान में लिखा है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% ही हो सकती है। और एक और तथ्य है कि अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना गया है। देखिए, संसदात्मक प्रजातंत्र उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर टिकी है, जिसका मतलब ये है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका हैं जो अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं व्यवस्थापिका के प्रति। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती हैं वह अपने निर्णयों के प्रति संसद के प्रति और ख़ासतौर पर संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी। मंत्रिमंडल संसदात्मक प्रजातंत्र का ये गुण सामूहिक उत्तरदायित्व का गुण माना जाता है, और ये माना जाता है कि यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो वे समस्त मंत्रियों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने समान माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना पड़ेगा, भले ही वो किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो ये बात समझना चाहिए कि संसदात्मक प्रजातंत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। ये वही स्थिति है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। कहने का मतलब ये है कि मंत्री एक तरह से ही अपने कार्य करते हैं, सामूहिक रूप से उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, और अगर किसी एक भी व्यक्ति की गलती होती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है या निंदा प्रस्ताव, तो वह संपूर्ण मंत्रिपरिषद के प्रति निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है संसदात्मक प्रजातंत्र। ये गुण आपको अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं मिलेगा, वहाँ मंत्रियों का ऐसा कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर संसदात्मक प्रजातंत्र टिका हुआ है। फिर अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य गिनाए गए हैं। पहला कर्तव्य ये है कि संघीय क्रियाकलाप और प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं वो समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित करेगा। प्रधानमंत्री का काम है कि संघ के प्रशासन और विधायन के संबंध में जो भी जानकारी है वो समय समय पर राष्ट्रपति को उसको सूचित करता है। अनुच्छेद 78 में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं उसमें से एक कर्तव्य ये। दूसरा है कि जो भी राष्ट्रपति जानकारी मांगे संघ के क्रियाकलाप
के प्रशासन के संबंधी या विधान संबंधी उस जानकारी को राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देना चाहिए और ये देना उसका संवैधानिक कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संघीय क्रियाकलाप और विधान संबंधी सभी सूचनाएं जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे दे। और तीसरा है कि किसी विषय पर अगर मंत्री ने निर्णय कर लिया है परंतु मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं रखा है तो राष्ट्रपति के कहने पर उसे मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचार के लिए रखे। इसका मतलब यही है कि जिस विषय पर मंत्री राष्ट्रपति को लगता है कि इस विषय पर मंत्रिपरिषद का सामूहिक निर्णय होना चाहिए उस निर्णय को वह मंत्रिपरिषद के सम्मुख रख सकता है। इस तरह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के तीन कर्तव्य गिनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त और कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री 352 ही एकमात्र बचता है इसके बाद, जिसमें ये लिखा है कि राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा को तभी लागू करेगा जब प्रधानमंत्री और इसका मंत्रिपरिषद लिखित रूप में मंत्रिमंडल लिखित रूप में प्रमाण देगा। तो सबसे कम व्याख्या वाला पद जो भारतीय संविधान में मौजूद है वो प्रधानमंत्री का है, लेकिन उसके उलट संसदात्मक प्रजातंत्र उसको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पूरे संघीय शासन की नींव के रूप में स्थापित करता है प्रधानमंत्री के पद को। तो हमें इस बात को हम समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री के जो भी कर्तव्य या अधिकार गिनाए गए हैं वो असल में राष्ट्रपति और उसके मंत्रिपरिषद के ही अधिकार और कर्तव्य हैं, क्योंकि इस नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर है। इस वजह से नाम राष्ट्रपति का ही चलेगा परंतु कार्य उसके रूप में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद द्वारा ही किए जाएंगे।